हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मितुल। आज हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है हैव ए नाइस डे, तो इसका मतलब है आपका दिन शुभ हो। अगर कोई आपसे कहता है डोंट फॉरगेट मी, तो इसका मतलब है मुझे भूलना मत। अगर कोई आपसे कहता है डोंट टेल हिम, तो इसका मतलब है उसे मत बताओ। अगर कोई आपसे कहता है व्हाई डिड यू डू दिस, तो इसका मतलब है तुमने ऐसा क्यों किया। अगर कोई आपसे कहता है लेट मी ड्राइव द कार, तो इसका मतलब है मुझे गाड़ी चलाने दो। अगर कोई आपसे कहता है आई डोंट हैव ए कार, तो इसका मतलब है मेरे पास गाड़ी नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसका मतलब है मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर कोई आपसे कहता है डोंट लाई, तो इसका मतलब है झूठ मत बोलो। अगर कोई आपसे कहता है आई एम इन ए हरी, तो इसका मतलब है मैं जल्दी में हूँ। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डू यू वांट, तो इसका मतलब है तुम्हें क्या चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है ही इज नॉट एट होम, तो इसका मतलब है वो घर पर नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है आई स्पीक द ट्रूथ, तो इसका मतलब है मैं सच बोल रहा हूँ। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डू यू थिंक, तो इसका मतलब है आपको क्या लगता है। अगर कोई आपसे कहता है स्पीक यू माइंड, तो इसका मतलब है अपने मन की बात कहो। अगर कोई आपसे कहता है नाइस टू मीट यू, तो इसका मतलब है आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर कोई आपसे कहता है इट इज़ वेरी नाइस, तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छा था। अगर कोई आपसे कहता है डोंट इवन थिंक सो, तो इसका मतलब है ऐसा सोचना भी मत। अगर कोई कहता है आई रेस्पेक्ट यू, तो इसका मतलब है मैं आपका सम्मान करता हूँ। अगर कोई आपसे कहता है आई नीड यू हेल्प, तो इसका मतलब है मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट गोइंग ऑन, तो इसका मतलब है क्या चल रहा है। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डू यू लाइक, तो इसका मतलब है आपको क्या पसंद है। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डिड यू परचेस, तो इसका मतलब है आपने क्या खरीदा। अगर कोई आपसे कहता है हाउ मच डू यू नीड, तो इसका मतलब है आपको कितना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डज ही डू, तो इसका मतलब है वो क्या करता है। अगर कोई कहता है दिस इज माई वॉच, तो इसका मतलब है ये मेरी घड़ी है। अगर कोई आपसे कहता है आई डोंट बिलीव, तो इसका मतलब है मैं नहीं मानता। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट कैन यू डू, तो इसका मतलब है तुम क्या कर सकते हो। अगर कोई आपसे कहता है डिड यू से समथिंग, तो इसका मतलब है क्या तुमने कुछ कहा। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट शुड आई डू, तो इसका मतलब है मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है डोंट गो देयर, तो इसका मतलब है वहाँ मत जाना। अगर कोई आपसे कहता है इट इज़ नॉट ट्रू, तो इसका मतलब है ये सच नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, तो इसका मतलब है मुझे तुम पर गर्व है। अगर कोई आपसे कहता है हु टोल्ड यू दिस, तो इसका मतलब है आपको ये किसने बताया। अगर कोई आपसे कहता है वेयर आर वी गोइंग, तो इसका मतलब है हम कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई आपसे कहता है लेट्स डू वन थिंग, तो इसका मतलब है एक काम करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है हाउ डेयर यू, तो इसका मतलब है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट आर यू थिंकिंग, तो इसका मतलब है तुम क्या सोच रहे हो। अगर कोई आपसे कहता है ही इज़ माई फ्रेंड, तो इसका मतलब है वो मेरा दोस्त है। अगर कोई आपसे कहता है डू यू नो हिम, तो इसका मतलब है क्या तुम उसे जानते हो। अगर कोई कहता है आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो इसका मतलब है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई आपसे कहता है इवन आई डोंट नो दैट, तो इसका मतलब है ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर कोई आपसे कहता है टेल मी, तो इसका मतलब है मुझे बताओ। अगर कोई आपसे कहता है डोंट वेस्ट योर टाइम, तो इसका मतलब है अपना समय बर्बाद मत करो। अगर कोई आपसे कहता है आई कैन डू एवरीथिंग, तो इसका मतलब है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई आपसे कहता है एक्सेप्ट दिस, तो इसका मतलब है इसे स्वीकार करें। अगर कोई कहता है बी केयरफुल, तो
तो इसका मतलब है सावधान रहे। अगर कोई आपसे कहता है नथिंग स्पेशल, तो इसका मतलब है कुछ खास नहीं। अगर कोई आपसे कहता है वॉच केयरफुल्ली, तो इसका मतलब है ध्यान से देखो। अगर कोई आपसे कहता है एट व्हाट टाइम, तो इसका मतलब है कितना बजे है। अगर कोई आपसे कहता है दिस इज़ फॉर यू, तो इसका मतलब है ये तुम्हारे लिए है। अगर कोई आपसे कहता है आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अगर कोई कहता है फॉर एवर, तो इसका मतलब है हमेशा के लिए। अगर कोई कहता है नो प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है कोई बात नहीं। अगर कोई आपसे कहता है होल्ड माय फिंगर, तो इसका मतलब है मेरी उंगली पकड़ो। अगर कोई आपसे कहता है बोथ ऑफ यू, तो इसका मतलब है तुम दोनों। अगर कोई आपसे कहता है दिस इज़ फॉर यू, तो इसका मतलब है ये तुम्हारे लिए है। अगर कोई आपसे कहता है टर्न ऑन द टैप, तो इसका मतलब है नल खोल दो। अगर कोई आपसे कहता है डोंट फॉलो मी, तो इसका मतलब है मेरा पीछा मत करो। अगर कोई आपसे कहता है टॉक टू मी, तो इसका मतलब है मुझसे बात करो। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डिड यू से, तो इसका मतलब है क्या बोला उसने। अगर कोई आपसे कहता है डू यू एग्री, तो इसका मतलब है क्या तुम सहमत हो। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डू यू लाइक, तो इसका मतलब है तुम्हें क्या पसंद है। अगर कोई आपसे कहता है आई ट्राइड अगेन, तो इसका मतलब है मैंने फिर कोशिश की। अगर कोई आपसे कहता है वेयर विल वी मीट, तो इसका मतलब है हम कहाँ मिलेंगे। अगर कोई आपसे कहता है डोंट माइंड, तो उसका मतलब है बुरा मत मानो। अगर कोई कहता है हाउ मच, तो इसका मतलब है कितना। अगर कोई आपसे कहता है नॉट नाउ, तो इसका मतलब है अभी नहीं। अगर कोई आपसे कहता है स्टे बैक, तो इसका मतलब है पीछे रहो। अगर कोई आपसे कहता है वी लॉस्ट, तो इसका मतलब है हम हार गए। अगर कोई आपसे कहता है टेक केयर, तो इसका मतलब है ख्याल रखना। अगर कोई आपसे कहता है रिसेंटली, तो इसका मतलब है हाल ही में। अगर कोई आपसे कहता है फर्स्ट एट ऑल, तो इसका मतलब है सबसे पहले। अगर कोई आपसे कहता है हुज पेन इज दिस, तो इसका मतलब है ये किसका कलम है। अगर कोई आपसे कहता है इट्स गेटिंग डार्क, तो इसका मतलब है अंधेरा हो रहा है। अगर कोई आपसे कहता है वी आर रेडी, तो इसका मतलब है हम तैयार है। अगर कोई आपसे कहता है आई एम ऑन द वे, तो इसका मतलब है मैं रास्ते में हूँ। अगर कोई आपसे कहता है आई वेंट देयर, तो इसका मतलब है मैं वहाँ गया था। अगर कोई आपसे कहता है हुज कॉल इट इज, तो इसका मतलब है किसका कॉल है। अगर कोई कहता है नेक्स्ट टाइम, तो इसका मतलब है अगली बार। अगर कोई आपसे कहता है दिस इज रॉन्ग, तो इसका मतलब है ये गलत है। अगर कोई आपसे कहता है डिड यू नो, तो उसका मतलब है क्या तुम्हें पता था। अगर कोई आपसे कहता है वेट फॉर मी, तो इसका मतलब है मेरा इंतज़ार करना। अगर कोई आपसे कहता है आई एम इन ट्रबल, तो इसका मतलब है मैं परेशानी में था। अगर कोई आपसे कहता है आई नो यू, तो इसका मतलब है मैं आपको जानता हूँ। अगर कोई आपसे कहता है कम विथ मी, तो इसका मतलब है मेरे साथ आओ। अगर कोई आपसे कहता है डोंट शो ऑफ, तो इसका मतलब है दिखावा मत करो। अगर कोई आपसे कहता है आई एग्री विथ यू, तो इसका मतलब है मैं तुमसे सहमत हूँ। अगर कोई आपसे कहता है इट्स टू एक्सपेंसिव, तो इसका मतलब है ये बहुत महंगा है। अगर कोई आपसे कहता है आई हैव ए लैपटॉप, तो इसका मतलब है मेरे पास लैपटॉप है। अगर कोई आपसे कहता है डोंट डिस्टर्ब मी, तो उसका मतलब है मुझे परेशान मत करो। अगर कोई आपसे कहता है दिस इज़ टू मच, तो उसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आपसे कहता है बिलीव इन योर सेल्फ, तो उसका मतलब है खुद पर विश्वास करो। अगर कोई आपसे कहता है लीव मी अलोन, तो उसका मतलब है मुझे अकेला छोड़ दो। अगर कोई आपसे कहता है से इट अगेन, तो उसका मतलब है इसे फिर से कहना। अगर कोई आपसे कहता है व्हेन डिड यू कम, तो इसका मतलब है आप कब आए। अगर कोई आपसे कहता है आई कुड नॉट स्टडी, तो उसका मतलब है मैं पढ़ नहीं सका। अगर कोई आपसे कहता है आई हैव सम वर्क,
तो उसका मतलब है मुझे कुछ काम है। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डू यू वांट, तो इसका मतलब है तुम क्या चाहते हो। अगर कोई आपसे कहता है आई एग्री विथ यू, तो इसका मतलब है मैं आपसे सहमत हूँ। अगर कोई आपसे कहता है कीप इन टच, तो इसका मतलब है मिलते रहना। अगर कोई आपसे कहता है आई विल कम, तो इसका मतलब है मैं आऊँगा। अगर कोई आपको कहता है आई होप, तो इसका मतलब है मुझे उम्मीद है। अगर कोई आपसे कहता है दिस इज़ रॉन्ग, तो इसका मतलब है ये गलत है। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डू यू हैव, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास क्या है। अगर कोई आपसे कहता है व्हाट डू यू मीन, तो इसका मतलब है क्या मतलब। अगर कोई आपसे कहता है यू हैव चेंज, तो इसका मतलब है तुम बदल गए हो। अगर कोई आपसे कहता है देयर इज नो वन, तो इसका मतलब है कोई नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है आई कुड नॉट गो, तो इसका मतलब है मैं नहीं जा सकता। अगर कोई आपसे कहता है आई विश, तो इसका मतलब है काश। अगर कोई आपसे कहता है बिलीव और नॉट, तो इसका मतलब है मानो या ना मानो। अगर कोई आपसे कहता है फॉरगेट इट, तो इसका मतलब है भूल जाओ। अगर कोई आपसे कहता है डेथ्स इनोट, तो इसका मतलब है बहुत हो गया। अगर कोई आपसे कहता है मेक इट फास्ट, तो इसका मतलब है जल्दी करो। अगर कोई आपसे कहता है वेयर आर यू, तो इसका मतलब है तुम कहाँ हो। अगर कोई आपसे कहता है ओवर एंड ओवर, तो इसका मतलब है बार बार। अगर कोई आपसे कहता है जस्ट ए मिनट, तो इसका मतलब है एक मिनट। अगर कोई आपसे कहता है करेक्ट इट, तो इसका मतलब है इसे सही करो। अगर कोई आपसे कहता है रियली, तो इसका मतलब है सच में। अगर कोई आपसे कहता है आई हैव टू गो, तो इसका मतलब है मुझे जाना है। अगर कोई आपसे कहता है डोंट डू इट, तो इसका मतलब है ये मत करो। अगर कोई आपसे कहता है शो मी, तो इसका मतलब है मुझे दिखाओ। अगर कोई आपसे कहता है डोंट गो आउटसाइड, तो इसका मतलब है बाहर मत जाओ। अगर कोई आपसे कहता है इट इज़ पॉसिबल, तो इसका मतलब है ये संभव है। अगर कोई आपसे कहता है इट इज़ वेरी हॉट, तो इसका मतलब है ये बहुत गर्म है। अगर कोई आपसे कहता है डू इट अगेन, तो इसका मतलब है इसे फिर से करो। अगर कोई आपसे कहता है आई थिंक सो, तो इसका मतलब है मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई आपसे कहता है आई थिंक, तो इसका मतलब है मुझे लगता है। अगर कोई आपसे कहता है लेट इट बी, तो इसका मतलब है जाने दो। अगर कोई आपसे कहता है स्विच ऑफ द लाइट, तो इसका मतलब है बिजली बंद कर दो। अगर कोई आपसे कहता है कीप ट्राइंग, तो इसका मतलब है कोशिश करते रहो। अगर कोई आपसे कहता है डोंट टेयर द पेज, तो इसका मतलब है पेज मत फाड़ो। अगर कोई आपसे कहता है प्ले विथ मी, तो इसका मतलब है मेरे साथ खेलो। अगर कोई आपसे कहता है लेट्स गो देयर, तो इसका मतलब है चलो वहाँ चलते हैं। अगर कोई आपसे कहता है व्हेन विल यू मीट, तो इसका मतलब है तुम कब मिलोगे। अगर कोई आपसे कहता है आई डोंट नो, तो इसका मतलब है मुझे नहीं पता। अगर कोई आपसे कहता है दिस इज माइन, तो इसका मतलब है ये मेरा है। अगर कोई आपसे कहता है आई हैव सम मनी, तो इसका मतलब है मेरे पास कुछ पैसा है। अगर कोई आपसे कहता है इट्स डन, तो इसका मतलब है हो गया। अगर कोई आपसे कहता है लेट इट ड्राई, तो इसका मतलब है इसे सूखने दो। अगर कोई आपसे कहता है डोंट गिव हिम मनी, तो इसका मतलब है उसे पैसे मत दो। अगर कोई आपसे कहता है कम विथ मी, तो इसका मतलब है मेरे साथ चलो। अगर कोई आपसे कहता है हु आर यू, तो इसका मतलब है तुम कौन हो। अगर कोई आपसे कहता है डोंट जम्प, तो इसका मतलब है कूदो मत। अगर कोई आपसे कहता है लुक अगेन, तो इसका मतलब है फिर से देखो। अगर कोई आपसे कहता है बी केयरफुल, तो इसका मतलब है सावधान रहे।